Hello friends, welcome to my channel. My name is Nidhi and today is Saturday. It's 1 PM in Sunnyvale and we are planning to go to San Francisco. There is a place called the Wave Organ. So आज वहाँ पर जाने का हम plan कर रहे हैं and हम अभी बस थोड़ी देर में निकलने वाले हैं and this is one of the attractions in San Francisco. तो I think आपको मेरे साथ रहना चाहिए और आप बस देखते रहिए ये ब्लॉग और I hope you guys will enjoy it. इनकी ये सबकी रेस लग रही है, ऐसा लग रहा है. कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है ये, कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है. मतलब सामने पहाड़ और सामने गोल्डन गेट ब्रिज और सामने ये हमारा सी, हमारा बीच, मतलब फुल ऑफ ब्यूटी. तो हम पहुंच गए हैं यहाँ पे द वेव ऑर्गन. काफी धूप है तो काफी सुंदर लग रहा है अगर आप बैक साइड पे देखोगे. हा, क्या मजा आ गया यार. यहाँ पे आसपास काफी सारे बीच है, काफी सारा है, तो हर हफ्ते आप कोई नया बीच कवर कर सकते हो. और अगर आप देखो मेरे पीछे तो देयर इज अ गोल्डन गेट ब्रिज. वहाँ पर किसी दिन हम जाएंगे और एक बार हम गए थे बट दोबारा जाएंगे और फिर वो ब्लॉग कैप्चर करेंगे. और पीछे देखो माउंटेन, वहाँ से भी काफ़ी अच्छा व्यू दिखता है. हम वहाँ भी एक बार गए थे, काफ़ी बढ़िया व्यू था. गोल्डन गेट ब्रिज का और पहाड़ का. इसको पकड़े क्या, ये उड़ गया. काफी तेज हवा चल रही है, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है. कहाँ जाके बैठ सकते हो. एक यहाँ पे मैंने सुना था एक प्लेस है वहाँ पे पाइप्स वगैरह है जहाँ से ये वेव्स जब भी टकराती है तो वहाँ से उसकी आवाज़ आती है, काफ़ी अच्छी अच्छी. तो वहाँ देखते हैं कहीं होगा आसपास. यहाँ लोग कुछ पार्टी कर रहे हैं, गाने वाने गा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं.
खड़ी हैं यहाँ पे। काश हम इस पर भी जा सकते। तो गौरव अपनी गाड़ी लेने गए हैं, तो उन्हें लग रहा है कि उन्होंने काफ़ी दूर पार्क कर दिया और हमें काफ़ी आगे जाना है, तो और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेस भी है पार्किंग का, तो ठीक है बढ़िया है, वो ले आएंगे गाड़ी, ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा। तो हमने गाड़ी अब यहाँ पास में पार्क कर दी है, अब हम थोड़ा आगे जाके देख रहे हैं क्या है उस साइड। तो अब हमें थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा गाड़ी लेके, भूख लग रही है पहले खाना और हमें भूख भी लग रही है, तो पहले अब सोच रहे हैं कुछ खा लें, अगर हमें आसपास कुछ मिल जाता है तो हम पहले खा लेंगे और फिर दोबारा से यहाँ पर आएंगे। पेट पूजा भी ज़रूरी है ना। हे गाइस, सामने देखो आप कितना ही पे है वो, अगर आप देखोगे ये है सैन फ्रांसिस्को। तो हम नमस्ते SF में जा रहे हैं, तो हम यहाँ आ गए हैं, तो इन्होंने सबसे पहले हमारा वैक्सीनेशन कार्ड चेक किया। फॉर व्हाट आर यू गाइस वांट, कोल्ड वाटर और रूम टेंपरेचर वाटर? रूम टेंपरेचर वाटर। तो बढ़िया, पहले वैक्सीनेशन कार्ड चेक किया उसके बाद ही हमारी एंट्री हुई है। ते हैं नमस्ते इंडियन क्यूजीन। ये पनीर टिक्का मसाला काफी अच्छा लग रहा है, खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है खाने वालों से। तो ये पापड़ और ये राइस ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ये हमने ऑर्डर नहीं किया था। सो हमने लंच कर लिया है, इट्स अराउंड 4:10 PM राइट नाउ। हमारा काफ़ी सारा खाना बच गया था और हमने पैक भी करवा लिया है। द फूड वॉज रियली वेरी गुड। हम दोबारा भी आ सकते हैं वैसे यहाँ पे। तो अब हम जा रहे हैं दोबारा से जहाँ के लिए हम आए थे। कैट्राज प्रिजन जो पानी के अंदर आपको दिख रहा है ना, वो भी एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। हम आ गए और ठंड काफी जोरों से पड़ रही है। हाँ वैसे तो धूप भी है, मतलब ऑलमोस्ट सनसेट होना शुरू हो गया है। ये ऐसे लग रहा है कि किसी ने खाया हो जैसे। तो लंच से पहले हम लोग उधर थे, ये पोर्ट की उस साइड। जैसे ये देखो ये पाइप है, अभी तो यहाँ से कोई आवाज़ नहीं आ रही है, कोई और पाइप पे जाके देखते हैं जहाँ से कुछ सुनाई दिया। हाँ ना
यहाँ से कोई आवाज़ नहीं आ रही अभी तो हमने काफ़ी पाइप देखे बट कुछ ऐसी खास आवाज़ तो नहीं आ रही है। और यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा हो चुकी है और काफ़ी लोग बैठ के सनसेट के नज़ारे भी ले रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, हमने तो बहुत इन्जॉय किया, काफ़ी अच्छा व्यू था, काफ़ी अच्छा बीच था और सही में काफ़ी अच्छा प्लेस है, कोई भी यहाँ आए तो उसको ज़रूर आना चाहिए। और अब बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है, सनसेट भी हो गया है, अब हम घर जा रहे हैं। तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। और यस, एक बार देख लो ऊपर बर्ड्स मजे से जाते हुए, पीछे सैन फ्रांसिस्को डाउनटाउन, और मेरे पीछे पूरा सैन फ्रांसिस्को दिख रहा है। तो ओके, आज के लिए इतना।